नगर निगम बिरगांव में महापौर और सभापति के उम्मीदवारों के चुनाव के बाद मंगलवार को बवाल सामने आया। यहां कांग्रेस पार्षद इकराम अहमद के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी कर दी। पार्षद के समर्थकों में संगठन के प्रति इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने वह पोस्टर भी फाड़ दिया जिसमें पार्टी के नेता पंकज शर्मा की तस्वीर थी। इसके अलावा पार्षद के समर्थकों ने पार्टी का झंडा तोड़कर जमीन पर फेंका और उसे पैरों से रौंदने लगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद इकराम अहमद का नाम सभापति के लिए सबसे ऊपर था, मगर अंतिम समय में कृपा राम निषाद को चुना गया। इसे लेकर बवाल के हालात देखने को मिले। बीच में पंकज शर्मा जी आते थे, हम लोग आंखी पिछाए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं होगा, अब ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। हमने उनसे दामन छोड़ लिया है, काला झंडा हमने दिखा दिया है। 40 नंबर वार्ड में एक ही व्यक्ति था, एक राम भाई, उनसे अच्छा कोई पार्षद नहीं था। हमारे 28 नंबर वार्ड में हमारे एक राम भाई के साथ छलावा हुआ है, इसका मुंह तोड़ जवाब 2 साल के बाद देंगे।